हेलो बच्चों, आज अपन मैं दीप्ति शर्मा आपको कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र, आपको इससे पहले मैंने बच्चों बताया था कि अब सामाजिक विज्ञान 4 भागों में हो गया है ना। सामाजिक विज्ञान में आप इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल पढ़ेंगे। तो आगे अभी आपने इसके पहले पालमपुर की कहानी पढ़ी थी, आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। तो संसाधन के रूप में लोग, इसमें है अर्थव्यवस्था का दायित्व, या इस पाठ में संसाधन के रूप में आप एक अवलोकन करेंगे इस बात का कि संसाधन का दायित्व अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है क्या एक दायित्व है, उसको परिसीमित के रूप में आप इसको क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षक, चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है, मतलब जब ये सब चीज़ों में अपन निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, मतलब शिक्षा में, प्रशिक्षण में, चिकित्सा में, सेवा में निवेश किया जाता है, तो वहीं जनसंख्या मानव जीवन में, मानव जीवन की पूंजी के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और स्किल लिखित उत्पादन के स्टॉक हैं। देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है जनसंख्या पर विचार करना, सकल राष्ट्रीय उत्पादन की सदन में उनके योगदान की क्षमता को बल देता है। दूसरा संसाधन होता है भारतीय जनसंख्या, एक संसाधन, एक मानव संसाधन, एक विशाल जनसंख्या, एक सकारात्मक पहलू शिक्षा का ज्ञान होता है। तो हम जब संसाधन के रूप में लोग वर्तमान में उत्पादन कौशल और हम देश में कार्यरत लोगों का वर्णन कर एक तरीका है उत्पादन कहने की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना, सकल राष्ट्रीय उत्पादन उनके योगदान पर बल देना, और दूसरा है संसाधन में भारतीय जनसंख्या की एक संसाधन है, मतलब जो भारतीय जनसंख्या है उसमें भी एक संसाधन है, एक संसा एक विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। हम इसे नकारात्मक पहलू से देखें, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या तक पर पहुँचने के लिए संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय विद्यमान संसाधन को एक अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। मतलब जनसंख्या तक पहुंचने संबंधी समस्याओं पर विचार करते समय संसाधन की एक अधिक शिक्षा, मतलब जो संसाधन है उसकी अधिक, उसमें अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जा सकता है। कि हमें भारत निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश में उत्पादन शक्तियों क्या करता है, बढ़ाता है। मानव पूंजी में निवेश, मतलब जो मानव पूंजी है उसमें निवेश करने से शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित, बेहतर प्रतिष्ठित लोगों में उत्पादन के कारण अधिक आय तथा साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों को उच्चतम, इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो अधिक शिक्षित और बेहतर प्रतिष्ठित लोगों के लिए उत्पादन के कारण होने वाली आय, अपन अच्छी, मतलब अपन अच्छी शिक्षित होंगे तो अपनी बेहतर प्रतिष्ठा होगी, और उसके साथ ही अगर अपन कोई कार्य करते तो उत्पादन के कारण होने वाली अधिक आय, तो अपन को आय भी क्या होगी, अधिक होगी। और अधिक स्वस्थ लोगों को उच्चतम उत्पादन के रूप में, इसे प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। आप भी देखते होगे बेटा, जो अच्छे शिक्षित होते होंगे आप देखोगे अच्छे अच्छे पोस्ट पर होते हैं, है ना। आप चित्र देखकर डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति और उच्च शिक्षा से न केवल अधिक शिक्षित, स्वस्थ, और इससे अपन को क्या होता है, लाभ भी होता है, और अपन को मतलब एक प्रत्यक्ष तरीके से लाभ।
वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन मतलब भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। तब जो भूमि और पूंजी है उसको उपयोग कौन करता है? मानव करता है। मानव ही उसको उत्पादन लगाता है, मानव ही उसमें हर कार्य करता है, तो वह मानव पूंजी निर्माण करने में सहायक है। आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा उसमें उत्पादन परिसीमित को बदला जा सकता है। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करके उसकी परिसीमन को क्या कर सकते हैं? मन बदल सकते हैं। सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकरण, औद्योगिक और कृषि, श्रमिकों को प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि संसाधन मानव द्वारा ही निर्मित हैं। मतलब कृषि कार्य के लिए भी मानव इससे मानव पूंजी कर सकते हैं अपन। प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकरण, आधुनिक स्वास्थ्य आधुनिकरण आदि है ना, ये सब मानव पूंजी द्वारा ही संभव है। अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्रियाकलापों में देश की अर्थव्यवस्था की तीन क्षेत्र है। तो जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी जो क्रियाकलाप है उसमें तीन मतलब जो है क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्र में इसको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा? कृषि वानिकी आता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन शामिल हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आएगा कृषि। कृषि आपको पता है कैसे की जाती है? पशुपालन, ग्रामीण विकास के लिए पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन उत्खनन भी शामिल हैं। खनन जो अपन खदानों से प्राप्त होता है, खुदाई करने पर उत्खनन। क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। क्षेत्र के व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा इत्यादि भी इसमें शामिल किया गया है। क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। तब अपन जब परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं, क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। क्रिया राष्ट्र इससे क्रियाकलापों के बाद राष्ट्रीय आय की मूल वर्धन करते हैं। यह क्रिया आर्थिक अनार्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया दो भागों में बांटा गया है, तो बाजार के लिए और गैर बाजार की क्रियाओं में वेतन तथा लाभ की क्रिया, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं इसमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी शामिल किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? दो भागों, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। इसमें गैर बाजार क्रियाओं का अभिप्राय है, मतलब जो गैर बाजार प्रक्रियाएं हैं वह होती हैं, उसमें उपभोक्ता के द्वारा प्राथमिक उत्पादन और उपभोग के संस्थान का अचल संपत्ति का स्वयं लेखा उत्पादन आता है। तो जो प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, बाजार के लिए गैर बाजार की क्रिया और शिक्षा। फिर इसके बाद आएगा बेटा शिक्षा, शिक्षा का महत्व। आज के समय में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सभी व्यक्ति को साक्षर होना अति आवश्यक है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक के न केवल अधिकारों की है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों और अधिकारों का भी पालन करना और लाभ उठाने का माध्यम है। तो शिक्षा के द्वारा अपन कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं? शिक्षा अपन की जीवन मृत्यु प्रत्याशा, इसमें जनसंख्या की दर की गुणवत्ता, शिक्षा जीवन प्रत्याशा के निरूपित व्यक्ति और स्वास्थ्य व देश के कर्तव्य।
जनता में अधिकारों का पालन करने व लाभ उठाने के माध्यम से जनगणना में 2011 के अनुसार, तब जो 2011 में जनगणना हुई थी, भारत में कुल साक्षरता की दर 74.04% थी, है ना, हो गई थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता संख्या 82.14 थी और महिलाओं की साक्षरता दर थी 65.46 और प्रतिशत हो गई थी। फिर साक्षरता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है बच्चों में, और इसकी दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर प्रारंभ किए गए। सरकार द्वारा अभी स्कूल चले हैं, कई सारे हैं जो आपको निःशुल्क शिक्षा, ये सब इतनी सारी योजनाएं हैं, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क ड्रेसेस, ये सब दिए जा रहे हैं। सिर्फ शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार अपन को इतनी सुविधाएं, मतलब सरकार इतनी सुविधाएं शिक्षा के बेहतर बनाने के लिए दे रही है। जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं उनमें प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करके सार्वभौमिक अभी सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जन जगह जगह जन शिक्षा केंद्र खोले, प्राथमिक शिक्षा के नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर का भी प्रारंभ किया गया। फिर विद्यालय में दोपहर का भोजन, शिक्षा के मतलब क्षेत्र में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्कूल में आएं और शिक्षा ग्रहण करें, उसके लिए विद्यालय में दोपहर का भोजन, मिड डे की भी व्यवस्था की, जिससे दर्ज संख्या शाला की कक्षा की बढ़ सके। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विकास की गुंजाइश है, अधिकांश शिक्षित लोग द्वितीयक सेवाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जहां नौकरियां सीमित हैं, शिक्षित युवक डिग्रियां प्राप्त हुई बेरोजगार हुए, विदेशों में नौकरी पाने में इच्छुक पास इतनी सुविधा नहीं है, यह विदेश जा सके, यह समस्या भारत के लिए जटिल होती जा रही थी। तब प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में विकास की गुंजाइश को अधिकांश शिक्षित लोग, मतलब जो सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे थे, नौकरियों के लिए सीमित थे और डिग्रियां होते हुए भी क्या है, बेरोजगार, विदेशों में नौकरी पाने के लिए इच्छुक युवक के पास इतनी सुविधा नहीं कि वे विदेश जा सके, यह समस्या भारत के लिए जटिल होती जा रही थी। फिर ये तो शिक्षा के बेहतर बनाने के लिए उपाय कदम थे जो सरकार द्वारा उठाए गए। उसके बाद शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उपाय, तो स्कूलों और कॉलेजों में व्यवसायिक विषयों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था अनुसार, मतलब उनकी व्यवस्था शुरू की ताकि उन्हें कोई भी मतलब शिक्षा का अभाव ना रहे। तो स्कूलों और कॉलेज में व्यवसायिक विषयों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था शुरू की जा सकी ताकि अपना कोई भी काम शुरू कर सके, मतलब जो व्यक्ति जो बच्चे मतलब जो पढ़े हैं, जो भी उनके पास डिग्रियाँ हैं, उसके बाद तब पढ़ने के बाद वह बेरोजगार ना रहें, उसके लिए व्यवसायिक विषयों को पढ़ाने हेतु व्यवस्था शुरू की जा सकती है। ये उपाय है ना कि बेहतर शिक्षा को व्यवस्थित बनाने के क्या उपाय किए जा सकते। दूसरा है औद्योगिक प्रशिक्षण, ITI के माध्यम के द्वारा ना जो बच्चे होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे पढ़ें लिखें और किसी भी व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग भी करें ताकि वह अच्छी नौकरी प्राप्त करें और अपना काम, कुछ भी काम शुरू कर सकें। फिर भारत में बेरोजगारी के कारण, तो भारत में सबसे पहला कारण है बेरोजगारी का बढ़ती जनसंख्या, तो जो भारत में बढ़ती जनसंख्या है उसको रोकने के लिए, भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए जनसंख्या पर रोक लगाना अति आवश्यक है। फिर कृषि क्षेत्र के विकास की धीमी गति, तब जो भारत देश में जो कृषि क्षेत्र है उसकी विकास की गति, कृषि क्षेत्र में विकास की गति कैसी है, धीमी है, उसके कारण भी बेरोजगारी क्या है, बढ़ी हुई, क्योंकि तकनीकी विकास नहीं है, लोग अपने वही पुराने उससे कृषि करते हैं, नए उसका वो उपयोग नहीं करते। औद्योगिक और सेवा के क्षेत्र में सीमित, मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र कैसा है, सीमित, इस कारण भारत में बेरोजगारी क्या है, बढ़ी हुई है। शिक्षा पद्धति व्यवहारिक
क्षेत्र सी में, मतलब जो अपने देश में भारत देश में बेरोजगारी का मुख्य कारण ये भी है कि औद्योगिक और सेवा का क्षेत्र कैसा है, सीमित है ना, क्योंकि वहाँ पे और जो औद्योगिक लगते हैं उसमें विकास के लिए तकनीकी ज्ञान ना होना, अच्छे श्रमिक ना मिलना और अज्ञान मतलब अज्ञानता हर मतलब कोई भी तकनीकी का ज्ञान ना होना, इस कारण यहाँ ये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाती है। शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है, तब यहाँ पे शिक्षा तो है पर इसकी पूरी पूर्ण रूप से इसमें लोग व्यक्ति इस व्यवहारिक जानकारी नहीं होती, इस कारण कुछ लोग इसमें पिछड़ जाते हैं और बेरोजगारी के कारण मुख्य कारण एक ये भी है कि शिक्षा पद्धति व्यवहारिक। फिर है तकनीकी विकास अव्यवस्थित, मतलब जो तकनीकी विकास है वो अव्यवस्थित, इसकी जानकारी जिनको है वो अच्छे से इस कार्य को करते नहीं और करना चाहिए वो कर नहीं पाते। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण ये भी है, तकनीकी जो विकास है व्यवस्था है विकास है वो कैसा है, अव्यवस्थित है। और इसके बाद है बच्चों गृह कार्य। आज आपको मैंने शिक्षा और शिक्षा का विकास, सरकारी जो कदम उठाए गए उनको उपाय, इनको कैसे अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है और भारत में बेरोजगारी के कारण, और आपको मानव पूंजी क्या है और मानव पूंजी कैसे निर्मित की जाती है आपको मैंने ये बताया। अब आपका है बेटा गृह कार्य। तो आपको गृह कार्य में आपको ये प्रश्न दे रही हूँ मैं, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं, वो संसाधन मतलब जो अपन को संसाधन प्राप्त हुए है ना, वो संसाधन अपने पास हैं उनसे अपन लोगों से आप क्या समझते हैं। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधन में कैसे भिन्न है, वे है पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, पूंजी जो निर्माण अपन कर रहे हैं है ना, तो शिक्षा की उसमें क्या भूमिका है। फिर प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र किस तरह से हमें आर्थिक क्रिया को संचालित करते हैं, तो जो जो प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र हैं ये हमारी आर्थिक क्रियाओं के लिए कैसे सहायक है और हम कौन कौन से प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें क्या कार्य करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या, तो इनको आर्थिक क्रिया संचालित की जाती है उसका। अब आपको तीन चारों क्वेश्चन के आंसर कॉपी में लिखने हैं और याद करनी है। धन्यवाद।